नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ तीर्थ अभियान का आगाज किया है, जिसके तहत सांसद प्रवेश वर्मा ने मंगलापुरी वार्ड में स्थित सनातन धर्म मंदिर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में देव स्थलों पर सफाई की जा रही है। इसी कड़ी में पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने मंगलापुरी वार्ड से इस अभियान की शुरुआत की। प्रवेश वर्मा अपने तमाम साथियों संग मंदिर पहुंचे और पूरे मंदिर की साफ सफाई करते हुए नजर आए। इस मौके पर उन्होंने देवी देवताओं का आशीर्वाद भी ग्रहण किया। इसके साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुंचाया गया। बता दें, पूरे कार्यक्रम में प्रवेश वर्मा के साथ पूर्व विधायक प्रद्युमन राजपूत, जिला अध्यक्ष रमेश चौकंदा, वार्ड अध्यक्ष कुणाल मेहता, पूर्व निगम पार्षद रेखा चौहान, पार्षद प्रत्याशी विनय चौहान, नंद किशोर व तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, पूरे देश में हर मंडल में, हर वार्ड में, हर गांव में ऐसे कैंप लग रहे हैं, तो जो भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनकी स्कीम है, वो सारे अधिकारी लोग यहाँ पे आके कैंप लगाते हैं और सारे जो अपना लाभान्वित हैं वो यहाँ पे आकर कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हजारों लाखों की संख्या में लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। आज सुबह से 9:30 बजे से कैंप चल रहा है और जो है 1 बजे तक चलता है। इसके बाद में ये कैंप अपना बकरवाला में है, तो ये जो है एक ही स्थान पे कई जगह होता है। तो आज जो है अगर अपना इधर के स्थानीय लोगों को फ़ायदा मिल चुका है स्कीम का, तो वो लोग नहीं आते हैं, जिन लोगों को नहीं मिला है वो लोग आते हैं। तो हमारा इधर कैंप लगाने का मकसद ये है कि इसका प्रचार हो और अपना लोगों को इसकी सूचना मिले, लोग आकर इसका फ़ायदा उठाएं। ये जो है रामायण और महाभारत के समय में राक्षस लोग होते थे, तो सारे उन्हीं के वंशज की एक जो है चेन चली आ रही है। और ये अच्छा है कि नेगेटिव एनर्जी खुद ही नहीं आ रही है। चारों शंकराचार्य भी नहीं जा रहे। देखिए, बहुत सारे शंकराचार्य आ भी रहे हैं, बहुत सारे साधु महात्मा आ भी रहे हैं, हजारों की संख्या में आ रहे हैं। अभी कौन नहीं आ रहा और उसके क्या कारण हैं, तो ये तो मैं कोई अपना इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मंगलापुरी वार्ड अध्यक्ष कुणाल मेहता ने पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था की। कुणाल मेहता ने तमाम क्षेत्रीय नेताओं संग सैकड़ों लोगों में कंबलों का वितरण किया। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश इस समय राममय है। सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, देश एक, खाली देश ही नहीं, दुनिया के तमाम भारतीय, दुनिया में कोने कोने पर रह रहे तमाम भारतीय इंतज़ार कर रहे हैं, पलके बिछाएं कि कब 22 जनवरी आएगी और रामलला बाल रूप में अयोध्या में अपने स्थान पर विराजमान होंगे। 500 सालों से हमारा देश जिस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था, वो प्रतीक्षा खत्म हुई और वो पल हमारे सामने है। उसी को ध्यान में रखते हुए जैसा हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कल आह्वान किया, नासिक में एक मंदिर में उन्होंने सफाई कर स्वच्छता का ये मैसेज दिया पूरे भारतवासियों को, सभी देश की जनता को, कि आपके आसपास जितने भी पूजा के स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, घर के मंदिर हों, कॉलोनी के मंदिर हों, समाज के मंदिर हों, सभी मंदिरों में जाकर सफाई करें, स्वच्छता करें और एक एक मंदिर में 22 तारीख तक पूरी स्वच्छता का एक अभियान चलाएं। उसी आह्वान की शुरुआत करते हुए पहले आज हमने हमारे माननीय सांसद, लोकप्रिय युवा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी और तमाम भाजपा के बड़े नेता, भाई प्रद्युमन राजपूत जी जो चुनाव लड़े विधायक रहे, हमारे जिला अध्यक्ष रमेश चौकंदा जी, जिला के महामंत्री हरीश हरजाई जी और हमारे वार्ड के तमाम बड़े नेता, हमारे यहाँ से चुनाव लड़े विजय वीर जी, रेखा विनय चौहान जी, जितने भी तमाम कार्यकर्ता थे, राजबीर सोलंकी जी, नीरज गुप्ता जी, तमाम नंद किशोर गौतम जी, हमारे जितने भी नेतागण थे सभी हमारे मौजूद थे। और उस आह्वान की शुरुआत करते हुए माननीय सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने इस अभियान की, अपनी लोकसभा की शुरुआत आज हमारे मंगलापुरी वार्ड में गली नंबर 7 के जो सनातन धर्म मंदिर है, उस मंदिर में सफाई स्वच्छता की शुरुआत करके उस अभियान की शुरुआत की। अब इसके बाद हमारे मंडल के सभी कार्यकर्ता, हमारे जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी राम भक्त हैं, वो इस सभी सफाई के कार्यक्रम को 21 तारीख तक लगातार वार्ड में आने वाले सभी मंदिरों में हम लोग सफाई करेंगे, आसपास के सभी पूजा स्थलों की सफाई करेंगे और इस आह्वान को 22 तारीख के लिए शानदार दिवाली, हमने दिवाली तो बहुत मनाई है,
मगर भारतवर्ष में ऐसी दिवाली इससे पहले नहीं मनाई गई होगी जैसी 22 तारीख को मनाई गई। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम में पहुंचे तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं पूर्व विधायक और पार्षद ने राम मंदिर पर क्या कहा। देखिए, ये हमारा कार्यक्रम 14 से 21 तारीख तक का रहेगा। हर मंदिर में जो भी है तो सभी कार्यकर्ता मंदिरों में जाके स्वच्छता अभियान चलाएंगे और सभी लोगों को, देशवासियों को, हम लोग 140 करोड़ की मोदी जी बात करते हैं, सब मिल के इस राम उत्सव को हम सबके लिए कितने सौभाग्यों से हमें ये अवसर मिल रहा है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं पूरे देशवासी की हमारे पुरखों ने 500 साल की लड़ाई के बाद आज भव्य मंदिर का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से हो रहा है, तो पूरा विश्व राम में होता जा रहा है। तो हम सब मिलके मंदिरों की साफ़ सफाई से लेके दीप जलाएंगे, रोशनियाँ, दीपावली जो असली मायने में जो मनने जा रही है, उस दीपावली का 22 तारीख को मनने जा रही है और उसी की नियमित ये मोदी जी की गारंटी, ये स्वराज योजना जो हमारे चाहे बड़ई भाई हों, चाहे हमारे नाई भाई हों या जितने प्लम्बर भाई हों, ये एक ऐसी योजना है मोदी जी के माध्यम से कि उनको 15,000 रुपये तक का आप फ्री किट मिलेगी और उसके अलावा 1,00,000 रुपये उनका उनको फ्री में व्यवसाय करने के लिए मिलेगा, जो अपना उनको किस्तों के रूप में देना है और उस पर सब्सिडी मिलेगी और अगर जो वो पूरा चुकता कर देंगे उसको फिर डबल हो जाएगा। तो जो ब्याज पे जो गरीब आदमी था उसको पैसा नहीं मिलता था, तो मोदी जी की ये गारंटी कि हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति का विकास हो, ऐसी योजना है। देखिए, एक प्रोग्राम तो आज ही है वहाँ पे और कल भी दो प्रोग्राम है द्वारका विधानसभा में। बाकी 22 तारीख को हम सब लोग क्षेत्र के लोग मिलके तीन मंदिरों में हम एक विशाल शोभा यात्रा निकाल लें, उसके बाद भंडारे का आयोजन हमने अपने ऑफिस पे किया हुआ है सब क्षेत्रवासियों के सहयोग से। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मोदी जी जो है वो जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं, ना एक्स्ट्रा बोलते हैं ना एक्स्ट्रा करते हैं। तो क्षेत्र के विकास के लिए मोदी जी एक बार फिर से दोबारा जरूर आने चाहिए। राम मंदिर पर क्या कहेंगे, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद इस बार राम मंदिर बनकर तैयार है। देखिए, राम मंदिर के लिए मैं ये कहूँगी कि जो काम हो ही नहीं सकता था, नामुमकिन काम मोदी जी ने करके दिया है। आज से मेरे ख्याल से 4 साल पहले जब ये हो रहा था कि राम मंदिर बनेगा और मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हम लोगों को भी लगता था कैसे होगा ये, लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो राम मंदिर जो काम हो रहा है वो वाकई में एक मुझे लग रहा सारी दुनिया के लिए बहुत ही अजीब और बहुत ही ऐसा काम हो रहा कि वाकई में सचमुच ऐसे लग रहा कि राम का जन्म हो रहा है। आज अभी हमारे इस द्वारका विधानसभा के अंदर हमारे सांसद प्रवेश शर्मा जी आए, अभी सबसे पहले मंदिर की सफाई का कार्यक्रम रखा। मंदिर की सफाई के कार्यक्रम के बाद यहाँ स्कूल के अंदर मोदी सरकार की जो गारंटी है भारत विकसित यात्रा को लेकर के, उसके लिए जो स्टॉल लगे हुए हैं, इसका एक ही मकसद है कि जो योजनाएं हैं जनता तक पहुँचें और जनता तक बहुत लोगों तक पहुँच भी गई है, पर जो लोग बचे हुए हैं उन तक भी पहुँचे, जानकारी मिले लोगों को। और आज यहाँ सर्दियों के मौके पर यहाँ कंबल भी दिए गए हैं, कैलेंडर भी बांटे गए हैं और लोगों को सारी जानकारी दी है। और मोदी जी की जो गारंटी है, ये सब आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि राजनीति के अंदर जो अविश्वसनीयता का माहौल मोदी जी के आने से पहले बना हुआ था, आज सब यकीन करते हैं इस बात पर, मोदी जी की गारंटी पर। और राजनीतिक दल अगर कोई एक है जिस पर विश्वास किया जा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी हैं, और मोदी जी ने जो कहा है वो किया है, इस बात का लोगों में भरोसा है और लोगों में जोश और उत्साह है सारा इन सब चीज़ों को लेकर के, और लोग खुश हैं और ये सोच रहे हैं कि मोदी जी ने जो कहा था वो डिलीवर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आज देश उस मुकाम पे आके खड़ा हो गया है जिस मुकाम की कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 2014 से लेके और आज 2024 तक जिस तरह से इस देश ने प्रगति की है, पिछले 65 सालों में वो प्रगति नहीं हो पाई। और इसका सारा श्रेय जाता है तो संसार के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय जाता है। साथ में जनता का जो आशीर्वाद रहा 2014 से लेके वो अभी 2024 में भी मिलेगा, वो सारा श्रेय अनेकों योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोगों के बीच में है। वो योजना जिस तरह से कार्यान्वित हो रही है और जिस तरह से लोगों को लाभ मिल रहा है उसका एक ही नमूना आज यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी है। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे लोकसभा के आदरणीय सांसद प्रवेश वर्मा जी भी मंदिर की एक सफाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है देश के सभी लोगों को कि 14 तारीख से लेकर और 21 तारीख तक, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और उससे पहले सभी धार्मिक स्थलों की एक सफाई हो जाए, स्वच्छता का अभियान चले। उस स्वच्छता अभियान में आदरणीय सांसद जी उसमें शामिल हुए, हमारे द्वारका विधानसभा के लोकप्रिय विधायक पूर्व विधायक रहे भाई प्रद्युम्न राजपूत जी रहे, हमारे अनेकों कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए। और आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश की जनता आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है, लगता है आने वाले वर्षों में ये देश जिस स्थान पर मुकाम था प्रथम स्थान पे या यूं कहे जगत गुरु के स्थान पे उसमें फिर दोबारा से स्थापित होने जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।